हेलो एवरीवन, आज मैं एक और आपको बहुत अमेजिंग लेटर बताने वाली हूँ कि आपको स्क्रिप्टिंग लेटर कैसे लिखना है। लाइट के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा और उल्टा भी है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको इसमें लगा दूंगी, तो आप उसको देखना कि स्क्रिप्टिंग करना कैसे है। कई बार बोलते हैं स्क्रिप्टिंग करिए, सब कुछ अट्रैक्ट होता है। एक्चुअली सच में होता है, मेरी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लेटर है। हर किसी की सक्सेस स्टोरी बताऊंगी तो टाइम कम पड़ जाएगा, तो मैंने आज उन सब का सार एक निकाला और सोचा कि कई बार क्या होता है, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच सभी बताते हैं कि आप स्क्रिप्टिंग करो, आप लिखो आपके डिज़ायर क्या है उसको बहुत अच्छे से लिखो, थैंक यू लेटर लिखो, तो आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा, उस पर भरोसा भी रखना है। बट कई बार क्या है, वो शब्द ही नहीं हमको सूझते कि ना हमको तरीका सूझता है कि हम किस तरीके से लिखें। हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया जाए कि आप जैसे मान लो आप 20 लाख, 10 लाख, 10,000, जितना भी आप मनी चाहते हो उतना अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग लेटर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, आपको एक खाली समय निकालना है, और उस समय निकालना है जब आप अलाइनमेंट में हो। अब अलाइनमेंट में कैसे रहोगे, ये आप जानबूझ के अगर चाहोगे कि मैं इस टाइम लिखूं तो वो शायद वो परिस्थिति कभी नहीं बनेगी। वो आपको जैसे अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि पहले अलाइनमेंट में आओ, फिर काम करो, फिर एक्शन लो, तब वो अच्छे से काम करता है। जैसे कि मान लो ये स्विच बोर्ड है, अगर इसमें हमने प्लग तो लगा दिया पर अगर हमने बटन ऑन नहीं किया तो लाइट नहीं जलेगी, भले आप कुछ कितना भी कुछ कर लो। तो वैसा ही है कि जब तक हम कॉन्शियस बीइंग या अपने अलाइनमेंट या वोर्टेक्स से या हायर सुप्रीम पावर से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम जो काम कर रहे होते हैं वो फलीभूत नहीं होता है। इसका मतलब आप या तो पीसफुल मूड में हो या बहुत खुश हो, या मेडिटेशन के बाद आप कर सकते हो। मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, अपने बॉडी माइंड सबको रिलैक्स करना है, अपने स्पिरिट को याद करना है, आई एम कॉन्शियस बीइंग, नथिंग मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है, मैं अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग हूँ। फिर आपको इसको विजुलाइज करना है या देखना है कि आपको क्या चाहिए। जब आपको ये पता चल गया कि आपको ये मैनिफेस्ट करना है, तब आप लिखना शुरू कीजिए। मेरे कहने का मतलब, आप एक माहौल बनाइए जब आपको अंदर से लगे कि यस आई कैन हैव इट, या मेरे पास ये है, अब मेरे को थैंक यू लिखना है, ईश्वर को थैंक यू देना है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है। मान लो आपने 30 लाख का लिखा कि पर मंथ मेरी 30 लाख इनकम होनी चाहिए, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि आई एम वर्दी, मैं विश्वास रखता हूँ कि ये मेरे पास हो सकता है। अनलिमिटेड अबंडेंस है तो ये क्या है, ये तो मात्र एक बिंदी की तरह है, ईश्वर हमको कुछ भी दे सकता है, विश्वास करो तब लिखना शुरू करो। अब लिखना कैसे है, उसके लिए बहुत सारे सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं, बट एक जनरल पैटर्न जो मुझे लगता है वो मैं आपको इसमें पढ़ के सुनाती हूँ। ध्यान से पढ़िए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ, ध्यान से सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रीप्ले करके बार बार सुनिए और उस पैटर्न को एक बार सीख जाइए कि लिखना कैसे है। वैसे बहुत सिंपल चीज़ है बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते, अगर उनको एक एग्जाम्पल दो तो वो आसानी से वो कर सकते हैं। तो इस लेटर को मैं पढ़ती हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने लाख या कितने थाउजेंड या क्या, जैसे घर मैनिफेस्ट करना है या मनी मैनिफेस्ट करना है या कोई भी चीज़ हो, मटेरियल चीज़ हो या आपको स्पिरिचुअली कुछ चीज़ या रिलेशनशिप के लिए करना हो, जॉब के लिए करना हो, पहले वो क्लियर कर लीजिए। अब आपको ऐसा महसूस करना है कि इट्स ऑलरेडी डन, अब उस फीलिंग के साथ आपको लेटर लिखना है। किसको, यूनिवर्स को लेटर लिखना है। तो लेटर कैसा लिखोगे आप, डियर यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड to share that I have manifested 30 lakh rupees into my life. I feel incredible blessed and abundant. मैं बहुत उत्साहित, बहुत grateful महसूस कर रहा हूँ, बहुत rich महसूस कर रहा हूँ। Next paragraph में आपको लिखना है, with this money I am able to pay off all my bills and create financial freedom for myself and my family. इस पैसे से मैं अपने सारे बिल देने में काबिल हूँ और मैं फाइनेंशियल पूर्णतः स्वतंत्र हूँ पैसे को लेके, और मेरी फैमिली और मैं, हम सभी स्वतंत्र हैं पैसे को लेके, मतलब हम फाइनेंशियली फ्री हैं, अब हमें पैसे की कोई चिंता नहीं है। आई एम एबल टू पे ऑफ ऑल माई बिल्स एंड इन्वेस्ट इन माई ड्रीम बिजनेसेस,
अब बाकी का जो पैसा है उसको मैं अपने ड्रीम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, विच इज थ्राइविंग एंड मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, जो थ्राइविंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस दुनिया में बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है। थर्ड पैराग्राफ है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट हैव कम माई वे अलाउइंग मी टू मेक दिस मनी विथ ईज एंड जॉय। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं धन्यवाद महसूस कर रहा हूँ, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतने सारे अवसर मेरी लाइफ में मुझे लाके दिए ताकि ये पैसा मैं बहुत इजीली और बहुत खुशी से बना पा रहा हूँ। नेक्स्ट है, आई एम सराउंडेड बाय लविंग एंड सपोर्टिव पीपल हु सेलिब्रेट माय सक्सेस। मैं हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहता हूँ जो लविंग है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, एवरी डे आई वेक फीलिंग ग्रेटफुल फॉर माय अबंडेंस इन माय लाइफ। रोज सुबह मैं धन्यवाद दे के उठता हूँ कि मुझे इतनी रिच अबंडेंट प्रचुरता भरा जीवन दिया। आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ दिस मनी कंटिन्यूस टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। और मैं बहुत उत्साहित हूँ ये देख के कि ये मेरा पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, bringing even more opportunity for me to make a difference in the world, और मुझे और opportunity दे रहा है ताकि मैं दुनिया का और भला कर सकूँ, वहाँ और positive प्रभाव डाल सकूँ। Thank you universe for this incredible manifestation. I trust that you will continue to guide me on this journey of abundance and success. धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड इस इनक्रेडिबल मैनिफेस्टेशन के लिए। और मैं आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसी तरह से हमेशा गाइडलाइन देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे मेरी इस अबंडेंस या प्रचुरता भरी और सफलता की जर्नी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या आपको लिखना है विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड डॉक्टर वंदना सराफ, वैसे ही आप अपना नाम लिखिए और उसके बाद तीन बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये जरूर आपको लिखना है। और ये आपका स्क्रिप्टिंग लेटर हो गया तैयार, इसको हिंदी में भी आप करके लिखिए। और ये कोई एक पैटर्न नहीं है कि हर किसी को सिर्फ इसी आधार पे लिखना है, स्क्रिप्टिंग इज़ अ पर्सनल थिंग, ये अपनी एक हर किसी का एक अपना अनुभव अपना एक अलग तरीका है। आप बिल्कुल फ्री फील कीजिए इसी सेंटेंस में या इन सब में अपनी फीलिंग डालने की कोशिश कीजिए और उसको लिखिए। और जब आप लिख रहे हो तो ऐसा महसूस कीजिए कि सब कुछ ऑलरेडी डन, अब आपको क्या करना है। इसके बाद लेटर आपने लिख लिया, अब 21 दिन तक रोज सुबह और शाम आपको एक बार रीड करना ही करना है फीलिंगली कि लाइक इट्स ऑलरेडी डन। यकीन मानिए 21 दिन तो ठीक, पहले दिन ही अगर आपने दो बार पढ़ लिया तो आपको थर्ड टाइम में लगेगा इतना अमेजिंग मैं फील कर रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी डन। आप जीने लगोगे उसी जीवन में। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स ट्रू, इट्स एवरीथिंग इज ट्रू जो मैं बोल रही हूँ। फीलिंग इमोशन क्रिएट करना बहुत आसान है पर लोग उसको विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये ऐसा होता भी है और ये करने से क्या होगा, दिखता तो कुछ है नहीं। दिखेगा, एक दिन दिखेगा और जब दिखेगा तो फिर पूरी दुनिया को दिखेगा कि आपने क्या किया, तब आपसे लोग पूछेंगे, अपनी सफलता के राज को शेयर कीजिए, तब एक दिन आप इस तरीके से मेरे ही जैसे मैं शेयर करी हूँ ऐसे ही आप भी अपने स्क्रिप्टिंग लेटर शेयर करोगे। उम्मीद है ये स्क्रिप्टिंग लेटर आपको एक आइडिया देगा कि आपको कैसे लेटर लिखना है। ये हर किसी चीज़ के लिए आप लिख सकते हो और 21 दिन के बाद जब आप इसको रोज पढ़ लो सुबह शाम फील कर लो तब किसी सेफ जगह पर इसको रख देना, लेट इट गो, सरेंडर, काम कूल होके उसको अनुभव कीजिए। हो सकता है उसके पहले ही आपका मैनिफेस्टेशन हो जाए, नहीं भी हो तो आपको चिंता नहीं करना है, पॉजिटिव रहना एक लाइफस्टाइल है, वो वही सुख देगा जो आप चाहते हो, वो ऑलरेडी आपके पास है, वो है नहीं है ये कोई मैटर नहीं रखता, मैटर आपकी फीलिंग रखती है। और ये सच है, सब कुछ सच है, आप विश्वास कीजिए, काम करना शुरू कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब